नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो भिलाई में चल रहे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने रायपुर पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी एक मैजिक के सहारे चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन उनका मैजिक ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने सरकार जरूर बना ली है, पर वहां शांति कायम रख पाएंगे इस पर संशय बना हुआ है। राष्ट्रीय स्तर में बदलाव पर हरीश रावत ने कहा है कि बदलाव होते रहना चाहिए। कांग्रेस में भी काफी कुछ बदलाव हुआ है। त्रिपुरा में लेनिन की प्रतिमा तोड़े जाने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार असहिष्णुता को बढ़ावा दे रही है। लेनिन विश्व नेता रहे हैं, भारत की आजादी में उनका अहम योगदान रहा है, उनकी मूर्ति हटाए जाना गलत है। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि युवाओं को चुनाव में मौका मिलना चाहिए। भाजपा तो बड़ी करिश्मा करने वाली पार्टी है, उनके जहां दो एमएलए आते हैं वहां भी वो सरकार बनाने का दावा करते हैं। हाँ, त्रिपुरा में जो उनकी जीत है वो ऐतिहासिक जीत है, मगर उस जीत पर कई तरीके के प्रश्न चिन्ह हैं। आप ऐसे संगठनों के साथ, जो संगठन त्रिपुरा का विभाजन की बात कर रहे हैं, उनका सहयोग लेकर के एंटी इनकम्बेंसी का फायदा लेकर के सत्ता तो पा सकते हैं, और उसके विपरीत भाजपा का सिद्धांत है कि बाय हुक एंड क्रुक कैप्चर द पावर। तो भिलाई में चल रहे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रायपुर पहुंचे और साफ तौर पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मोदी एक मैजिक के सहारे चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन उनका मैजिक ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। तो नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने सरकार बना ली है, पर वहां शांति कायम बीजेपी नहीं रख पाएगी, ऐसा भी उनका कहना है। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर में बदलाव पर हरीश रावत ने कहा है कि बदलाव होते रहना चाहिए। कांग्रेस में भी काफी कुछ बदलाव हुआ है। त्रिपुरा में लेनिन की प्रतिमा तोड़े जाने पर उन्होंने बयान दिया कि बीजेपी सरकार असहिष्णुता को बढ़ावा दे रही है। लेनिन विश्व नेता रहे हैं, भारत की आजादी में उनका अहम योगदान रहा है, उनकी मूर्ति को हटाए जाना उन्होंने गलत बताया। साफ तौर पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। कई जगहों पर उन्होंने बीजेपी सरकार को घेरा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मोदी एक मैजिक के सहारे अब तक जीतते आए हैं और ज्यादा दिन तक उनका यह मैजिक नहीं चलने वाला। और इसी मुद्दे पर अधिक चर्चा के लिए रुख करते हैं रायपुर स्टूडियो का, जहां हमारे स्टेट हेड आरके गांधी जी तमाम मेहमानों के साथ मौजूद हैं। जी गांधी जी, देखिए हमारे साथ में दो बेहद खास मेहमान मौजूद है, मनीष दयाल जी और गौरी शंकर श्रीवास्तव जी बीजेपी से। दोनों मेहमानों का हम स्वागत करना चाहेंगे। और जिस मैजिक की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों जिस तरह से तमाम जगहों पे जो चुनाव हुए हैं, उस चुनाव के बाद में तमाम प्रतिक्रियाएं निकल के सामने आई। नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे एक वर्चस्व की भी लड़ाई थी और वहाँ पे बीजेपी के लिए चुनौती था, वहाँ पे बीजेपी ने अपनी सत्ता वहाँ पे कायम की है। और ऐसे में तमाम जो समीकरण है, तमाम समीकरणों के बीच में जो मैजिक की बात कही जा रही है, क्या ये मैजिक क्या है, इस मैजिक को समझते हैं। सबसे पहले गौरी शंकर श्रीवास्तव जी से समझते हैं। श्रीवास्तव जी, आप मैजिक को क्या समझते हैं? मैजिक चुनाव और मैजिक की जो बात कही जा रही है उसको किस संदर्भ में देखते हैं? देखिए, हरीश रावत जी के जो मैजिक जो शब्द इस्तेमाल किया उसकी व्याख्या क्या है तो वही जानेंगे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि पूरे देश में मोदी जी के प्यार और विश्वास के, जो जनता ने जो उनके प्रति प्यार और विश्वास दिखाया है पूरे देश में, ये किसी मैजिक से कम नहीं है। अब वो जिस मैजिक की बात कर रहे हैं तो वही जाने, लेकिन उनका बयान एक हारे हुए, एक हताश, एक निराश जुआरी से ज्यादा नहीं है। जिस प्रकार उन्होंने आकर बयान दिया है, ये कहीं ना कहीं उनकी हताशा को पीड़ा और उनकी जो हार हुई है उत्तराखंड में उसकी भी पीड़ा को जाहिर करते हैं। देखिए, देश का आज युवा कहीं ना कहीं मोदी जी के साथ करवट लिया है, देश अब करवट ले रहा है, इसमें कहीं ना कहीं एक प्रकार की कांग्रेस पार्टी की पीड़ा है जाहिर हो रही है। लेकिन आज आपको बताना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर राज्य में जिस प्रकार के परिणाम आए, ये उन लोगों को कुछ विचारधारा को कहीं ना कहीं हमने बदला है। भारत देश का जो विचारधारा है, ये विवेकानंद की धरती है, ये बुद्ध की सिद्धांत की धरती है, ये महात्मा गांधी की धरती है। यहाँ पर लेनिन वेदियों को जिस प्रकार से वहां की जनता ने खदेड़ा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास वहां पर रचा है। और निश्चित तौर पर खदेड़ेगा तो आपने मूर्ति भी ढा दी। देखिये, मूर्ति ढाना बहुत ही गलत बात है, इस बात का विरोध करता हूँ।
मूर्ति ढहाने से ज्यादा उस विचारधारा को हम ढा दे, ये हमारे लिए सबसे बड़ी जीत होगी। मूर्ति ढहाने से किसी विचारधारा को हम खत्म नहीं कर सकते। हम अगर उस विचारधारा को जिस दिन खत्म करेंगे वो हमारे लिए सबसे बड़ी जीत होगी। और आप उस विचारधारा प्रश्न क्यों उठा रहे? देखिए वहां पे जिस प्रकार की कम्युनिस्ट विचारधारा को भारत देश में कम्युनिस्ट विचारधारा का कोई भी कहीं स्थान नहीं है, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, ये धरती है भगत सिंह की, ये धरती है विवेकानंद जी के आदर्श की, ये महात्मा गांधी की धरती है, बुद्ध की धरती, हमारे सिद्धांत को तो पूरा देश ऑक्यूपाइड करता है। ऐसे में हम बाहर के लोगों का क्यों सिद्धांत ऑक्यूपाइड करें? नहीं, क्या आपके सिद्धांत में लिखा है कि मूर्ति ढा देना? देखिए मूर्ति ढाने की बात मैंने पूर्व में कहा कि मूर्ति ढाना हमारी संस्कृति नहीं है, उसका विरोध करता हूँ। क्योंकि इस पे जिस तरह चर्चा चल रही थी, देखिए मूर्ति ढाने में तो काफी डिबेट हो चुका है कि महात्मा गांधी की मूर्ति तो 103 देशों में है, तो क्या 103 देशों में महात्मा गांधी की मूर्ति को उठा दिया जाए? देखिए मूर्ति ढाना किसी भी उसका सही राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो कोई राजनीतिक सूचिता का परिचायक नहीं है, किसी भी चाहे कोई भी हो उसकी मूर्ति नहीं ढानी चाहिए। हम कभी उसका समर्थन नहीं करते, ना हमारी पार्टी समर्थन कर रही है, लेकिन मूर्ति ढाने वाला वो सीधा सीधा भाजपा के लोगों से प्रेरित कर रहे हैं। वो मात्र इसलिए कि वो भारत माँ के नारे लगा रहे थे वहां पे। क्या कांग्रेस पार्टी के लोग भारत माता के नारे नहीं लगाते? कांग्रेस के ऊपर है कि कांग्रेस वहां पे माहौल बिगाड़ रही थी और कांग्रेस के लोगों ने मूर्ति ढा, कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे उनकी मूर्ति ढा दी गई, तब इन्होंने क्या किया? सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज उनके बगल में जाकर खड़े हो गए हैं, ये उस दिन को याद क्यों नहीं करते जब वही पूर्वोत्तर राज्य जहाँ राजीव गांधी जी की मूर्ति को ढा दी जाती है और ये विरोध उस समय करते हैं, लेकिन आज उनके बाजू में जाके खड़े हो गए। क्या आदर्शों की राजनीति जो कही जाती है, सुचिता की राजनीति जो कही जाती है, वो कौन होती जा रही है? मनीष दयाल जी, देखिए पहली चीज तो मैं मैजिक जो रावण जी ने कहा था शायद ये समझ नहीं पाया, वो मैजिक का मतलब बता देता हूँ कि कभी कोई व्यक्ति भी किसी जादू का शो देखने आता है तो वो हॉल के अंदर में उसके जादू के माया जाल में फंस जाता है। जादूगर दिखाता है टोपी में खरगोश की कर रहा है, फलाना फलाना जादू दिखाता है, लड़की कटी, उसे लगता है सब सही है, लेकिन वो जैसी सिनेमा से बाहर आता है उसे समझ में आता है कि सब झूठ था, जादू था। वैसे ही मोदी जी का मैजिक था, जब देश जो है एक पूरा विश्व जो है आर्थिक संकट में जूझ रहा था, महंगाई पूरे विश्व में ज्यादा थी, उस समय मोदी जी ने आया और यहाँ पे झूठ का मैजिक चलाया कि हम काला धन इतने करोड़ लाएंगे, 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति खाते में जाएगा, इतने लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, इतने लोगों को हम फलाना चीज देंगे। ये लोगों को लगा कि यार इस स्थिति में व्यक्ति बोल रहा है कहीं ना कहीं हो सकता है उसकी बात सही हो, उसके माया जाल फंसे और फंसने के बाद उन्होंने जो 4 साल से मोदी जी के शासन में देख लिया, काला धन तो दूर की बात, लोगों के सफेद धन तक को मोदी जी ने हड़प लिया, लोगों का जो व्यापार था उसे तक चौपट कर दिया। इसीलिए राहुल जी ने कहा कि मोदी का मैजिक चल चुका है, चुनाव पे हम बात करते हैं, चुनाव की बात जो अभी आपने पूर्वोत्तर के चुनाव की बात की है, पूर्वोत्तर चुनाव बता दीजिए बीजेपी कहां कहां पे है। 2 सीटें लाकर बीजेपी पैसे के बल पे वहां पे जो लोकतांत्रिक प्रणाली के हिसाब से सबसे ज्यादा सीटें वाली उसको क्योंकि कांग्रेस से हटाने के लिए वहां पे षड्यंत्र करके सरकार बनाती है, तो क्या बीजेपी की जीत है? आप बीजेपी वोट पर बात रखने का हक है, बीजेपी को भी अपनी बात रखने का हक है, गौरीशंकर श्रीवास जी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सवाल, और हम तो बात करें मैजिक चुनाव की, क्योंकि विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, क्या ये मैजिक बरकरार रहेगा? निश्चित तौर पर बरकरार रहेगा, आप देखें इसको तो जादू से यहाँ पे मनीष दयाल जी ने इस तरह से माया जाल था। मनीष दयाल जी पहले बता दे कि इस पूरे देश में धारा 356 का 90 बार से किस पार्टी ने उल्लंघन किया है? पहली बार आपने लोकतंत्र का कितने बार गलत होता है, लोकतंत्र की व्याख्या ना करें तो बहुत अच्छा मनीष दयाल जी, 8 साल जैसे आपने देश में लगाया, ये लोकतंत्र के मुंह पे काली पोता आपने, ये पहली बात था लोकतंत्र की बात ना करें, लोकतंत्र गला क्या कौन पार्टी होती है वो जानती, पहली बात मैं मुद्दे तक भटकना नहीं चाह रहा हूँ, बात मैजिक मोदी मैजिक की हो रही है, बिहार चुनाव के बाद से बोलते थे सिर्फ मोदी मैजिक की नहीं, मैजिक चुनाव की बात हो रही है, क्योंकि चुनाव भी अब मैजिक के स्वरूप में ढलता नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जब विकास की बात होती थी दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की बात होती थी, विकास बना भ्रष्टाचार देखने को मिलता था, अब तो मैजिक और सोशल नेटवर्क की बात होती है, सोशलवाद की बात होती है। देखिए डिजिटल का जमाना है, युवाओं का जमाना नहीं, है पहले हम मैजिक पे ही आ जाए। देखिए मैजिक का जिस प्रकार से ये व्याख्या कर रहा है मैं सहमत नहीं हूँ, मैजिक का मतलब होता है व्यक्ति का एक व्यक्तित्व भी, आज पूरा देश का आप देखेंगे तो मोदी जी के संपर्क कोई नेता नहीं दिखता, ये उनका एक व्यक्तित्व का मैजिक है जिसके दम पे हम कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रहे हैं, मगर आज तो बस केंद्र में आज प्रधानमंत्री के रूप में स्वयं नरेंद्र मोदी जी विराजमान है, ये किसी मैजिक से कम नहीं है, यहाँ पे करोड़ हमारे जो कार्यकर्ता है, आपके पार्टी में सिर्फ मोदी जी का मैजिक है, स्थानीय जो प्रदेश स्तर के नेता उनका मैजिक नहीं है। देखिए आज देश को लंबे समय से एक ऐसे नेतृत्व की, एक ऐसे सबल नेतृत्व की जरूरत थी जिसकी परिपाटी आज नरेंद्र मोदी जी ने की है, आज विश्व में देखिए भारत देश की क्या छवि, एक बड़ी आकृति आज भारत देश की बड़ी आकृति पूरे विश्व के मानस पटल पे ले चुकी है, ये किसका असर है? ये मोदी मैजिक का असर है।
इसमें कोई कहने में तो चुप्पी वाली बात नहीं है। जब से नरेंद्र मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री बने हैं, हमारा आत्मबल काफी बड़ा है। चुनाव पूरे राज्य में जहां जहां चुनाव हुए हैं, आप देखेंगे हमेशा हमको सफलता मिली है। पहले इलेक्शन में तो आप हारते जा रहे हैं, बिहार चुनाव के बाद से ये तो ये कहने लगा जो अभी हाल में एमपी में बाई इलेक्शन हुआ वहां तो देखिये, एक दो चुनाव हारने से मोदी जी का मैजिक खत्म हो गया है या भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में चली गई, ऐसा नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा सबक रहता है। अगर इस प्रकार की चीजें होती है कहीं ना कहीं हमारे लिए सबक के तौर पर हम उसमें और उस चीज को फुलफिल करके हम आगे बढ़ते हैं। पहली बात, दूसरी बात, आपका जनता का इतना समर्थन था, आप जनता की इतनी बड़ी पार्टी थे, आज ये हाल हो गया है गांधी जी की, इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की हैसियत में नहीं है, वो बहुजन समाज पार्टी के पास जाके हाथ फैला रही है कि हमारे साथ आप आ जाइए मिलकर चुनाव लड़िए। आप इतनी बड़ी पार्टी है, आप किसके किसके साथ गठबंधन करना चाहते हैं? आप उत्तर प्रदेश में गठबंधन कर रही है, गठबंधन कर रहे हैं कि गठबंधन कर रहे हैं? आपके पास नहीं है किसी प्रकार भाजपा की अपने बात की, चंद्रबाबू नायडू ने तो आपका साथ भी छोड़ दिया। देखिए चंद्रा बाबू नायडू जी का वो साथ छोड़ना है निश्चित तौर पर प्रत्याशित घटना, लेकिन एनडीए अलग नहीं हुए, वो सरकार अलग हुए, मतभेद जरूर है, मनभेद नहीं हुआ है, आज भी वो एनडीए में है, वो राज्य विशेष की जो पैकेज की मांग कर रहे हैं उसको लेके मतभेद है, मनभेद नहीं है। तो मतभेद और मनभेद की यहाँ पे बात कही, कांग्रेस को में अगर समझा जाए मनीष दयाल जी, जिस तरह से मैजिक और मैजिक चुनाव, आपको नहीं लगता कि एक समय आपसे तमाम ईवीएम पे सवाल उठाने जा रहा है कि ईवीएम को हाईजेक कर लिया जाता है, तमाम चीजें होती है और उसके जरिए चुनाव जीता जाता है, अब मैजिक एक शब्द आ गया। मैजिक तो पहले एक व्यक्तित्व के बारे में कहा जाता रहा, लेकिन अब चुनावी मैजिक का जो एक परिकल्पना दिख रही है उस बीच में आपको नहीं लगता कि कई सारे मुद्दे गौन होते नजर आ रहे हैं? देखिए कांग्रेस पार्टी जो है उसने क्यों चुनाव हारा, आप देखेंगे अभी दो दिन पहले माननीय सोनिया गांधी जी ने काफी अच्छे शब्दों में बताया था कि हमें कमियां हुई थी, कमियां ये हुई थी कि हम सोशल नेटवर्किंग में कमजोर थे, हमने बहुत सारी जनकल्याणकारी योजना बनाई है, इसको आगे मोदी जी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम वो योजनाओं का प्रचार, जैसे मोदी जी छोटा सा भीम ऐप लॉन्च करते हैं उसका प्रचार पूरी दुनिया में कर देते हैं, वैसा प्रचार हम नहीं कर पाए, शायद यही कुछ कमियां थी कि लोगों तक हमारी जो उनकी जनकल्याणकारी योजना है वो नहीं समझ पाया या नहीं पहुंच पाई, वो मोदी जी ने उसका फायदा उठा। हम चोरी कर रहे हैं, एक बार बता दीजिए। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार चुनाव लड़ती, कांग्रेस पार्टी जो है ये हर व्यक्ति की पार्टी है, इसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलता है, कांग्रेस पार्टी अपने कामों पे अपने सिद्धांतों पे चुनाव लड़ती है, आप देख लीजिए कांग्रेस पार्टी का इतिहास खोल लीजिए, उसकी जितने भी घोषणा पत्र है, उसकी जितनी बातें हैं सब कांग्रेस पार्टी ने पूरा किया है, जो वादे कांग्रेस पार्टी करती है वो पूरा करती है, चाहे वो उद्योगपति के लिए हो, चाहे गरीब किसान के लिए हो, चाहे मध्यम वर्ग के लिए हो, झूठी बात कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र भी जो है काफी सोच समझ के बनाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं है। घोषणा पत्र का तरीका भी चेंज किया है, हम जानना चाह रहे हैं यदि किसी जनमानस की यदि आप बातों को अपने घोषणा पत्र की, सरकार क्यों होती है, सरकार इस देश इस प्रदेश की सेवा करने की होती है, यदि किसी प्रदेश के व्यक्ति की बात यदि वो चाहता है इस प्रदेश में क्या हो उसे लेकर अपने घोषणा पत्र शामिल करना, तो मुझे नहीं लगता है मैजिक है, ये तो जन कल्याणकारी वाली बात करने वाली बात है, भारतीय जनता पार्टी चाहे जैसे नहीं कि घोषणा पत्र में लिखा कुछ और किया कुछ और है, इस तरह काम कांग्रेस पार्टी नहीं करती, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को पूरा विश्वास है कांग्रेस इस बार सरकार कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस ट्वीट मंगा रही है, जो भी कांग्रेस जी ने शपथ पत्र लेकर जनता के बीच में यहाँ पे पहुंच गया है, जो भी कांग्रेस की बात बीजेपी ने घोषणा पत्र में तमाम यहाँ पे दावे किए और उन तमाम वादों को उनकी अपनी बातें उनके अपने दावे हैं कि उन्होंने उसको पूरा किया। घोषणा पत्र और इस मैजिक के बीच में वही सगर श्रीवास जी, क्या लगता है कि इस बार के घोषणा पत्र में भी कुछ मैजिक रहेगा? देखिए उसमें गायब हो जाए, उसमें जोड़ दिया जाए। देखिए पिछला जो घोषणा पत्र था उसमें लगभग 80-90% काम हमने कर दिया है, बहुत से कार्य होने बाकी हैं, बहुत से कार्य होते रहेंगे, अगर इस घोषणा पत्र को आपने तो पूरे देश में 50 सारे घोषणा पत्र निकालूंगा, 60 योजना नहीं बता पाए क्या जो किसानों के लिए हो, जिसमें किसानों को लाभ होता, पूरी बता अपनी बात अपने आपने योजना है
क्षेत्रीय पार्टी बनकर आरटीआई जो दिया है आरटीआई बात है केजरीवाल नेता बन गए पार्टी। अरे गुलाब बस के न्याय है गुलाब। अरे गुलाब अंग्रेजों के मेरा ये कहना था कि लगभग बहुत सारे घोषणा पत्र में कहा कि बहुत सारी चीजें शेष है उसको भी हम पूरी करेंगे, लेकिन अरे सुनिए मनीष जी, नेता प्रतिपक्ष जो घूम रहे सब्जी अलग पास जा रहा है खोमचे अलग पास जा रहा है ये सिर्फ अपना प्रमोशन कर रहे हैं पहली बात। दूसरी बात कांग्रेस पार्टी ने क्या इस बात को सहमति दिया कि जो जनता का रहेगा उस आधार में घोषणा पत्र बनाएंगे? ये सिर्फ ट्विटर वाले आज नेता बन के रह गए हैं, ये सिर्फ ट्विटर में बात करते हैं, जमीनी हकीकत से कोई वास्ता इनका नहीं रह गया है और जनता का विश्वास इन्होंने खो दिया है। ये झूठी और खोखली बात करके सरकार को बदनाम करने का लगातार प्रयास करते हैं और हमेशा ही फड़ा है। हमारा जो घोषणा पत्र रहेगा ठीक चुनाव के पहले आएगा, पूरे कार्यकर्ताओं को पूरी जनता को पूरे प्रदेश के विकास को ये समर्पित घोषणा पत्र आपको चुनाव के पहले देखने मिलेगा। लेकिन शुरू में जिस तरह से हरीश रावत जी ने यहाँ रायपुर आते आते जो बातें कही और आपने जिस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी कि हारे हुए हताशा जुआरी है। हाँ हताशा बिल्कुल, ये एक तरह से तो धमलाल कौशिक जी ने भूपेश बघेल के लिए कहा था। नहीं देखिए, ये हरीश रावत जी का जो चरित्र रहा है राजनीति मानस पटल पे उतना बड़ा नहीं रहा है कि वो मोदी जी के बारे में इतनी बड़ी टिप्पणी कर दे। वो मैजिक जो शब्द बोल रहा है पहले उसकी व्याख्या ना कर दिए सीनियर नेता सही लोग की व्याख्या है। मैजिक क्या करो, पहली बार संसद बने कैसे मोदी के बारे में आज तक नहीं है। आज देख लीजिए कहीं मंत्री है वो मुख्यमंत्री है वो मोदी जी पहली बार संसद में है। मैं आपको बता रहा हूं वो सीनियर बोल रहा है या तो दबे दीवार मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मैजिक की बात कर रहे हैं या तो वो दबे जीवन में चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि वास्तव में देश में मोदी जी के नाम पर मैजिक फैला हुआ है, ये भी एक बात हो सकती है। तो इसकी व्याख्या तो बहुत अच्छे से हरीश रावत जी कर सकते हैं, लेकिन मनीष दयाल जी ने भी की लोग उससे मायदान से बाहर आ चुके हैं, समझ में आ चुका है परिणाम है। यदि मोदी जी का मैजिक होता तो तीनों राज्यों में मोदी जी को बहुमत मिलता। वो तो दूसरों के कंधे में बंदूक रख के चला रहे मोदी जी, दो सीटें सरकार बना रहे हैं मोदी जी का पूरे देश में इस कदर दुर्गति होने के बावजूद उनके प्रवक्ता इतना कॉन्फिडेंस से बात करते हैं अपने आप में किसी मैजिक से ये भी कम नहीं। मैजिक नहीं इसको कहते हैं। मनीष जी आपको आपके वक्तव्य को और आपके जिस तरह से तमाम एक व्यक्तित्व को मैजिक के तौर पर यहाँ पे गौरी शंकर शिवाज जी ने रखा तो आपके बातों को मैजिक की यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए क्या है, गौरी शंकर जी हताश हो चुके हैं, किस तरह का रिजल्ट आ रहा है मैं बता रहा हूँ। गौरी शंकर जी बेचारे युवा नेता है, उनकी भी बहुत सारी संभावना है, पार्टी में उनको समझ में आ चुका है कि अब वो सरकार इस पर आ नहीं रही है क्योंकि जिस हिसाब से रिजल्ट आ रहे हैं, जिस हिसाब से मोदी जी के नाम से वोट नहीं मिल रहे हैं, आप चाहे मध्य प्रदेश के चुनाव की बात कर लीजिए, राजस्थान चुनाव की बात कर लीजिए, हर जगह इनको हार खानी पड़ रही है। तभी ये जनता, ये जो रावत जी ने कहा, जो उन्होंने भांडाफोड़ कहा मैजिक को, जो उन्होंने बताया कि मोदी जी के मारे जो लोग दूर हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बयान से बैकफुट में अपने आप को नजर आती दिख रही है क्योंकि मोदी जी के भरोसे चुनाव लड़ने वाले थे। अब मोदी जी का मैजिक भी इनका जो झूठा मैजिक काला धन लाना ये सब खत्म हो गया है। तो पटल पर किसका मैजिक चलता है वो तो लोकतंत्र के महापर्व पर देखने को मिलेगा। और इस बीच में आप दोनों ने अपनी अपनी बात को काम, आप दोनों का धन्यवाद यहाँ पर करना चाहेंगे। इस मैजिक चुनाव को लेकर जो तमाम बातें यहाँ पे आई, कहीं ना कहीं जो एक चुनावी एक सरगर्मिया है वो बढ़ चुकी है और तमाम यहाँ पे वक्तव्य बयान आ रहे हैं अपने अपने तरीके से, इसकी व्याख्या की जा रही है। थैंक यू स्टूडियो।